आप देख रहे हैं डीवीएस न्यूज। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के आदर्श नगर पंचायत सोनौली में। आप देखिए किस तरीके से मौसम ने अपना करवट बदला हुआ है। और इसी बीच में और जनसंपर्क करते हुए हमारे साथ में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आज खान जी हैं। आइए हम जानते हैं कि इनको किस तरीके का जनता का समर्थन मिल रहा है। आज खान जी से जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, इस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से भाजपा का किंग मेकर कहे जाने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, और बाहुबली विधायक कहे जाने वाले पूर्व विधायक बाहुबली कहे जाने वाले अमन माडी त्रिपाठी त्रिपाठी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको इनका किसान मतलब क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी राजनीति तो खुदा की, ईश्वर की, उसके आगे कोई नहीं। जनता की राजनीति सबसे बड़ी, जनता जवाब देगी सबको, करारा जवाब मिलेगा। इस बीच में सवाल सबसे बड़ी खड़ी ये हो रही है, पूर्व विधायक अमन त्रिपाठी आपके आपके साथ में कुछ दिन पहले चल रहे थे, आपका समर्थन और क्यों नहीं किए, क्या कारण वक्त नहीं किया? मुस्लिम का इसीलिए हमारा टिकट काट दिया गया, हमारा साथ छोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमान होने के नाते, जो कि हम लोगों में कभी ऐसा नहीं रहा। इंसानियत पे, हक पे, सारे आवाम के हक के लिए लड़ा गया, हमेशा लड़ा जाएगा। जब चुनाव आता है इनको फिक्र आ जाती है अपने बल, अपना दिखावा दिखाने के लिए, जनता को छलने के लिए। जनता बेवकूफ नहीं रह गई है। आने वाली 4 तारीख को मेरी सारे नगरवासियों से अपील है, आप लोग इनको करारा जवाब दीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपको क्या लगता है इससे आपका कायम रहेगा या आपका अध्यक्ष का सीट? ये तो जनता तय करेगी, बिल्कुल होगा। जितना प्यार मिल रहा है, जिस हिसाब से मिल रहा है, एकदम बेहतर होगा। देखिए जीतने के बाद में आप मुख्य रूप से अभी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी हमारे यहाँ व्यवसायियों के लिए। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ खरीदार जिस चीज को लेकर के नहीं आते हैं। दूसरे की यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, इन सब मुद्दों को मेन विषय दिया जाएगा। विद्यालय की समस्या है, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पूरे नगर पंचायत में, उनकी दशा क्या है आप लोग देखें, जनता के बीच ले जाएं। ये जो नेता विधायक सांसद जो भी आ रहे हैं यहाँ, विधायक जी लोग, सांसद जी लोग, क्या इनकी नजर इन सब चीजों पे पड़ती है? कभी इन सब चीजों को लेकर कभी इन्होंने बैठक किया? कभी जब व्यापारियों के बीच गए, उनकी समस्या सुने, विद्यालयों को देखा, कहते हैं सबको शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा कैसे दिया जाएगा? जुबानी शिक्षा दी जाएगी। जमीन पे लागू करिए, आप विद्यालयों का सर्वे करिए, किस दशा में है आप देखिए, अपने आंखों को खोलिए, अपने जमीन को जगाइए। मैं ये कहना चाहूंगा सभी से। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।